ये गुआडुआ गैस्ट्रिफोलिया है, और जब भी आप इसमें गूगल में वेजिटेबल स्टील डालोगे तो यही आएगा, सर्टिफाइड स्टील है ये बिल्कुल, जो है ना मतलब दुनिया में जो है ना लोहे को टक्कर दे सकता है ये बांस, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इन्हें जब यूज करने से पहले को ट्रीट करना पड़ेगा हाँ इनको। ट्रीट करना पड़ेगा। कुछ ने लगाए हैं बांस बांस। साहब मैं आपको एक बात बताऊं, खेती का सरकारीकरण हो चुका है, यहाँ लोग सिर्फ गेहूं और चावल लगा रहे हैं जो सरकार खरीद। जरा हाथ लगाएंगे जरा इधर पे, डी एस्पर है ये, थाईलैंड से आया। ये किस काम आता है? अरे लकड़ी है पूरी। अच्छा। बल्ली है ये तो, ये अभी कटने की नहीं हुई है इतनी। कटने का है पर इच्छा नहीं होती काटने की, दिल नहीं करता। मैंने जो है इम्प्रूव किया, बैलकुआ में जो है 30% बेंडिंग आती है, पर इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया है और ये इसमें अब बेंडिंग नहीं आती, 2% तक बेंडिंग आती है इसमें। पर इसमें सर बालकुआ में जो मैंने देखा है सभी में ये नहीं आते? नहीं 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 आते कुछ में, नहीं नहीं नहीं, नहीं आते बिल्कुल आते। सुनिए तो, जैसे ये देखिए सर, एक मिनट निकाल दिए हैं, काटे हैं उसमें। अच्छा अच्छा हाँ, ये देखिए ये जो है ना इसको जो है ये देखिए ये काटे हैं। मैं आपको मतलब वो करके बताऊं कि मतलब इसमें नहीं आते, ये काटे हैं, ये देखिए हम लोगों ने काटे हैं ये। मेरे यहाँ में कुछ में नहीं है सर बिल्कुल। हो सकता है कुछ वो हो, परंतु सुनिए तो, ये तो इसका नेचुरल फेनोमिना है, ये तो संभव ही नहीं है कि इसमें वो नहीं हो। बालकुआ बंबूसा बालकुआ, ये जो है इधर आजा बेटा, इस साइड आजा, ये देख जरा, ये इसको म्यांमार से कलेक्ट किया बर्मा से, बहुत सुपर क्लोन है ये। मतलब आप ये देखो इसके बैम्बू की वो देखो, हेलो, दुनिया का सबसे अद्भुत बांस डी सिनाकस, जिसकी हाइट लगभग 120 फीट जाएगी और डाया लगभग 15 से 18 इंच। देखिए अच्छा, कोई बीमारी किसी भी बैम्बू में? जंगली बैम्बू है साहब, कोई ना पेस्टिसाइड चाहिए ना वो। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बैम्बू में इनपुट कॉस्ट नहीं है, इनपुट कॉस्ट जो है मतलब वो जो है ना खेती को वो खा रही है इनपुट कॉस्ट। इतने महंगे महंगे फर्टिलाइजर लगा दिए हैं, ये बर्मीज ब्रांडी साई है। अच्छा, ये भी जो है लगभग जो है 100 से 120 फीट जाएगा सर। ये इसका बताते थे कि इसकी पत्तल बनती है ये? हाँ बन जाती है। मैं अभी एक्चुअली क्या है, मैंने बहुत सारे जो है ना, मेरी मशीन बनी रखी है सूरत में। अच्छा। पर मैं निकल नहीं पाया, दिक्कत ये है। ये डी वैलिडस है एक वैरायटी, मतलब आप देखे कि जो है कटंग का रिप्लेसमेंट है ये पूरा का पूरा, कोई इसमें साइड ब्रांच नहीं है, कुछ नहीं है। जो बांस काटना हो वो काट लो आप। सर ये जो ये निकलते हैं इसके, जैसे ये ऊपर को जा रहा है, इससे कुछ पहचान है कब काटने लायक हुआ हमें? ये तो बहुत मुश्किल होगा कि 3 साल का कितना होगा, तो उसका क्या है? एक मिनट में आपको एक बात बताऊं, जब आप काम करने लगेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा एक्सपीरियंस वैसा कोई। परंतु अगर आपको वो नहीं है तो आप कलर कोडिंग इस्तेमाल करिए। अच्छा, हर साल का पेंट एक वो स्प्रे लेके जो इस साल के बैम्बू निकले हैं उसको काट दीजिए, उसमें स्प्रे मार दीजिए, आप हर साल का कलर अलग कर दीजिए, तो आपको आइडिया होगा कि ये 2018 का है, ये 2019 का है, ये 2020 का है। ये 2010 से 2012 तक मेरी सारी फसलें खराब हो गई थी, तो मैं सोचता था कि ईश्वर ने कोई ऐसी फसल तो बनाई होगी कि जो मतलब प्राकृतिक आपदा में नष्ट नहीं होती है। तो मैं एक जगह पढ़ रहा था कि हिरोशिमा और नागासाकी में जब बम गिरा था तो 300 किलोमीटर तक लोहा भी गल के गिर गया था, मतलब लोहा भी पिघल के धरती में समा गया था। वहां बैम्बू 37वें दिन उग गया था और अकेला पौधा था जो रेडिएशन के बावजूद उग गया था, जिसमें रेडिएशन का कोई प्रभाव नहीं था। बाकी बैम्बू में, बाकी पौधों में वहां बहुत सालों बाद जो है लोगों ने ले जा के वो किए, तब सफलता मिली बैम्बू के लिए। इसलिए जैपनीज जो है ना बैम्बू को बहुत वो मानते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इस पौधे को खोजा था गौतम बुद्ध ने,
जब गौतम बुद्ध ने इसको आज से 2500-3000 साल पहले खोजा था तो उन्होंने कहा था कि मानवता को देने के लिए ये सबसे अद्भुत पौधा है। तो उस समय हिंदुज्म पीक पे था, तो हिंदुज्म ने कहा कि नहीं, इससे दूर रहो, ये डेथ कैरियर है। और बहुत सारे मिथ्स बैम्बू के लिए वो हो गए, जिसके कारण जो है पूरा भारतवर्ष या हिंदू समाज जो है बैम्बू से दूर हो गया। परंतु मैं आज भी आपसे बोल रहा हूँ, दावे से बोल रहा हूँ कि मनुष्यता को देने के लिए इस पौधे से ज्यादा कोई नहीं, ब्रह्मांड में कोई चीज ही नहीं। और आप देखिए कि जहां जहां बुद्धिज्म गया वहां वहां बैम्बू चला गया। और मैं आपको बता दूं, चाइना के में यूनान में एक वो है, यूनान मीन्स ये मिडिल ईस्ट वाला यूनान नहीं, चाइना में यूनान एक प्रोविजेंस है, मतलब एक राज्य है, वहां पे बैम्बू का सबसे बड़ा म्यूजियम है। उसके बाहर लिखा हुआ है बैम्बू ओरिजिनेट फ्रॉम गोंडवाना। तो मैंने उसके डायरेक्टर से पूछा कि विच प्लेस यू कॉल्ड गोंडवाना, तो उसने मध्य प्रदेश का हमारा महाकौशल का हिस्सा, छत्तीसगढ़ का हिस्सा, नागपुर के विदर्भ का हिस्सा, प्लस झारखंड का और यूपी का कुछ हिस्सा, ऐसे एक राउंड बनाया, उसने कहा दिस प्लेस कॉल्ड गोंडवाना। तो अब आप देखिए कि जहाँ पे बैम्बू की उत्पत्ति हुई वहाँ हम उस देश में जो है बैम्बू के लिए अभी हम संघर्ष कर रहे हैं। और सारा का सारा जो है आप देखिए कि जहां जहां बुद्धिज्म है वहां वहां बैम्बू है। तो मैं आज भी ये कह रहा हूं कि बुद्धिज्म का और बैम्बू का रिलेशन हमें अभी भी समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दो चीजों को लेके आज भी मैं वो कर रहा हूं, बांस, बिजली और बादल, इनका भी रहस्य आपस में। आप देखिए कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे आप देखेंगे सामने रोड के उस पार पानी नहीं गिरता, पर हमारे यहाँ पानी गिरता रहता, और इसलिए लोग कहते थे कि जब बिजली चमके तो बांस के नीचे नहीं खड़ा। गडकरी जी के बारे में आपकी क्या राय है? सर, गडकरी जी इस देश के लिए जो है मतलब अच्छा, बहुत मतलब, उसका कारण सुन लीजिए पहले। मैं आपको मुझे 1000 किलोमीटर में कोई गड्ढा नजर आया सर। सुनिए तो मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, मैं गाड़ी लेता हूँ ना तो मैं अहमदाबाद जाने के लिए पहले 1.5 दिन लगता था, आजकल सुबह निकलता हूँ शाम को पहुंच जाता हूँ। शिरडी जाता हूँ तो पहले 2 दिन 1.5 दिन लगता था, 2 दिन। अभी हम लोग सुबह 7:30 बजे निकलते हैं और शाम को 7:30 बजे शिरडी पहुंच जाते हैं। उस दिन मेरे बेटे को हैदराबाद में फ्लाइट यहाँ कैंसिल हो गई थी, उसको वीजा लगवाने जाना था और सारे वो हो गए थे, तो हम 10-11 घंटे में हैदराबाद पहुंच गए थे। सर, गडकरी जी कहते हैं कि इसमें कुछ बायोफ्यूल का भी मतलब? सर देखिए, चल रहा है, काम चल रहा है। देखिए उसका कारण है, पहले मेरी पॉसिबिलिटी इसलिए है कि गन्ने से ज्यादा शुगर और सेल्यूलोस है इसमें। अच्छा, अगर गन्ने में 12% हम मानते हैं तो इसमें 18-20-22-24% तक है। हमारे पास कुछ वैरायटी है जिसमें सेलुलोज शुगर बहुत ज्यादा है। सर, गडकरी जी के बारे में पॉलिटिशियन, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, इन तीन में से कौन सा ज्यादा मानते हैं आप इसको? सर देखिए कि वो एक बहुत ही मतलब सुलझे हुए किस्म के आदमी है, और मैं आपको बोल रहा हूँ मैं उनको इसीलिए पॉलिटिशियन नहीं मानता हूँ कि अगर पॉलिटिशियन होते तो इतना बड़ा अचीवमेंट कर नहीं पाते जो अचीवमेंट इंडिया ने कर दिया। आप, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, अभी नागपुर से मुंबई तक का एक हाईवे बना रहे हैं, नागपुर से 700 किलोमीटर 8 घंटे में कवर हो जाएगा। सर, आपके बाद टोटल 62 ये इनमें से इंडियन कितनी है और बाहर से कितनी लाए हैं सर? 60-40 समझ लीजिए या 70-30 समझ लीजिए। अच्छा, जैसे पॉलीमार्फा के 3 स्ट्रेन है, चाइनीज है, बर्मीज है और इंडियन है। पर ये चाइनीज है बहुत, मतलब आप इसकी एक्सेलेंट आप देखो ना, उसकी मोटाई देखो। ये सब आप बायोमास में यूज करते हैं? नहीं, ये तो मतलब वुडी नेचर का बैम्बू है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, दो नेचर होते हैं बैम्बू में, एक स्पंजी नेचर होता है, एक वुडी नेचर होता है। अच्छा, स्पंजी नेचर वो होता है कि जब उसमें कोई चीज बनाए और पॉलिश करें तो वो पी जाता है। अच्छा, ये वुडी नेचर का बैम्बू है और जैसे ही इसमें पॉलिश करते हैं तो चमक आ जाती है। बहुत एक्सेलेंट किस्म का बैम्बू है फर्नीचर के लिए, सब चीज, हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर, सब। इसके भी मतलब कितने पेड़ लगते हैं एक एकड़? मैक्सिमम मैंने बताया कि 330 से ऊपर जाना ही नहीं है आपको। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि मैंने अपनी मैक्सिमम लिमिट रिकमेंड करी है, अगर आप 300 भी लगाते हैं तो कोई समस्या नहीं है। सिर्फ जो है समस्या ये है कि मैं उन लोगों का मुकाबला नहीं कर पाता हूँ जो 1000 पौधे में 20 लाख। नहीं, वो तो छोड़ दो सर, तो ये हमारे फर्नीचर में काम आएगा? बिल्कुल आएगा, आप देखिए ना कितनी स्मूथनेस है। और स्ट्रेट, सबसे बड़ी बात है इसका नीचे है वही डाया, इसका 20 फुट पे है। तो फर्नीचर में वो बैम्बू काम आता है कि जो जिसका डाया सिमिलर चलता है।
इकोनॉमी में खर्च हम मैक्सिमम साइड पे जाएंगे, इनकम हम लोएस्ट साइड में आ जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है ना। अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि खर्चे में आप सबसे ज़्यादा को एस्टिमेट करो और प्रॉफिटेबिलिटी को सबसे लोएस्ट को वो करो। 330 पौधे लगाते हैं एक एकड़ में, जो मेरी रिकमेंडेशन है। ठीक है सर, हम उसमें जो है लगभग जो है ना, हमें 12 भी बैम्बू मिल रहे हैं, 14 भी मिल रहे हैं, पर 10 का एवरेज तो हमारे हिसाब से आ जाएगा। अब हम मान के चलें कि एक एकड़ में आपको 3300 बांस मिले, 3300 को भी और कम कर दो, 200-300 बांस 10% खराब भी हो सकता। हाँ हाँ, तो हम 3000 बांस को लेके चलते हैं। अभी आप जो वहाँ पे पता करेंगे, लगभग जो है 24 फीट का, 20 से 24 फीट के बांस की कीमत जो है 130 से 140 रुपए होते हैं, लगभग 30-40 रुपए वो वहाँ का ट्रेडर कमाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आप उसको वो कर दीजिए, क्या आप 80 रुपए का तो बैम्बू मान के चलेंगे कि वो आपके खेत से ले जाएगा? ठीक है, ठीक है ना। 80 रुपए का बैम्बू लेके गया तो आप समझ लीजिए 3000 बांस इंटू 80 रुपए, हाँ, 2,40,000 रुपए। आप कटाई वगैरह भी वो कर लीजिए, खर्च कर लीजिए, 30-40 हजार रुपये मैक्सिमम आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो भी आपको मैं 2 लाख की जगह 1.5 लाख रुपए बोलता हूँ इनकम, कि भाई हर किसी की ज़मीन की परफॉर्मेंस थोड़ी कम ज़्यादा होती है, वो होती है। 5-10 साल बाद ज़मीन की क्वालिटी कोई मायने ही नहीं रखती, बांस अपने हिसाब से क्वालिटी बना लेता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप 1.5 लाख रुपये का एस्टिमेट मानिए, आपको 1.5 लाख रुपए घर बैठे मिलेगा और वो करते मिलेगा। सिर्फ ये है कि आपको इसकी 4 साल केयर करनी है और ये आपकी केयर लगभग 50 साल करेगा। और 5 साल के बाद उतना ही बैम्बू मिलेगा या? नहीं नहीं नहीं, हर साल 5% का इंक्रीमेंट है। अच्छा, साइज में भी और हाइट में भी। अच्छा, उसके अलावा इनपुट कॉस्ट आपकी ना के बराबर है? इनपुट कॉस्ट हम तो कुछ करते ही नहीं, आपको पूरा जंगल घुमा के लाए, आपने देखा कि कोई वो नहीं करते। अब तो हम पानी भी नहीं देते, गर्मी में भी नहीं देते। इसका कोई मेडिसिनल यूज भी है? होता है। हम आपको एक बात बताएं, हमारे पास एक वैरायटी है जिसमें लगभग 13% सिलिका पत्तियों में है। अच्छा, तो 13% सिलिका है तो उसको जो है ऑर्थराइटिस और ऑस्टोपरेसिस, जो जोड़ों के जो वो रहते हैं उसमें जो है हम उसकी चाय रिकमेंड करते हैं। बेटा एक वो चाय पत्ती का पैकेट निकालो, तो हम उसमें जो है लोगों को रिकमेंड करते हैं और लगभग हमारे हिसाब से सैकड़ों लोगों को अभी इसमें रिलीफ मिल गया है और वो जो है अपने घुटनों के जोड़ों से मुक्त हो गए। अच्छा, हाँ वो ये सामने। अच्छा सर, अगर हम एक यूनिट जिसका आपने 10-15 लाख रुपए खर्चा बताया था, बायोमास वाली है, चारकोल वाली जो, हाँ 10-15 लाख नहीं, मैंने आपको किसी और, वो फ्यूल पैलेट वाली यूनिट। अच्छा, फ्यूल पैलेट वाली। ये देखिए, ये जो है हम इसको मेडिसिनल यूज में जो है बैम्बू लीफ टी जो है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा वो पैलेट वाली में बता, एक ही बैम्बू ऐसा है जिसमें 13% सिलिका की वो है। और मैं आपको एक बात बता दूं, सॉल्युबल सिलिका जो है पूरी दुनिया में सिर्फ बैम्बू में ही। फर्स्ट रेवोल्यूशन हुआ 2003 में, जब बांस को इंजीनियरिंग टिम्बर के में कन्वर्ट कर। सेकंड रेवोल्यूशन हुआ 2011 में, जब बैम्बू को क्लॉथ में कन्वर्ट कर। थर्ड रेवोल्यूशन अभी बिल्कुल पेंडिंग है, कभी भी आ सकता है कि बैम्बू से सेकंड जनरेशन है। जो दूध पैदा करता है वो घर घर जाके बेचता है और जो दूध उबालता है मलाई वही खाता है।